कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। ये लोग बारात में गए थे, कुछ देर पहले तक ये लोग मेहमान थे, लेकिन जब ये बारात से वापस आ रहे थे तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और फिर शुरू हुई इनकी खातिरदारी। खातिरदारी भी ऐसी कि मत पूछिए, पुलिस वालों ने इन्हें मैठक बना दिया। फिर शुरू हुई इनकी मैठकी चाल, बरातियों में चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा या फिर जवान, सबको मैठक बनाया गया और सबने बीच सड़क पर मैठक दौड़ की। लोगों को अभी समझाइश भी दी जा रही है कि शादी में भीड़ जमा ना करें, और यदि आवश्यक है जिनका कैंसिलेशन करने करना नहीं हो पा रहा है, सब कुछ तय है, तो भी कम भीड़ भाड़ में अधिकतम 200 लोग इकट्ठे होकर के शादी करें ताकि संक्रमण के चयन को रोका जा सके। लेकिन फिर भी भीड़ें इकट्ठी हो रही हैं। जिस कल भी एक सूचना आई थी कि उमरी थाना के पास में और अस्पताल के पीछे जो आदिम जाति कल्याण विभाग का छात्रावास है, इसमें एक वैवाहिक समारोह चल रहा है। पुलिस द्वारा हालांकि इसमें दोपहर में समझाइश दी गई थी, लेकिन दो समझाइश के बावजूद कार्यक्रम आयोजित करने पर जो आयोजक है, हलवाई है और टेंट वाले हैं, इन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। और छात्रावास की अनुमति किसके द्वारा दी गई है इसका भी पता लगाया जा रहा है। अनुमति ना प्राप्त होने पर या प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जो बाराती और ये थे उनको समझाइश दी गई है और उनको समझाइश के बाद छोड़ दिया गया है। ये सब हुआ भिंड में और ये लोग लगुन फलदान से लौटकर आ रहे थे, लेकिन इनको पुलिस ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि भिंड में पुलिस द्वारा लगातार शादी समारोह और त्रयोदशी भोज में जुटने वाली भीड़ पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार के दिन उमरी इलाके में एक लगुन फलदान कार्यक्रम में शामिल होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार तकरीबन 35 लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते से गुजर रही पुलिस टीम की नजर इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर पड़ गई। पुलिस ने न केवल इन सभी से बीच सड़क पर मैठक की चाल चलवाई बल्कि इनका मोबाइल से वीडियो भी बनाया। हालांकि बाद में सभी को बिना किसी कार्रवाई के जाने भी दिया गया। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।